talk in English, we talk in Pashto, we talk in Urdu, we talk in Gujarati. We talk in Hindi. Now another jugaad will start. मुझे लगता है ये चेहरा को भाई इन लोगों ने एक नाड़े के साथ फिर एक लेजर बेल्ट को कनेक्ट किया हुआ है, लेकिन ये जुगाड़ भी गाइस एक नाड़े से काम नहीं चला क्योंकि वह छोटा था, तो अभी दूसरा नाड़ा निकाल रहे हैं अपने कपड़ों से और फिर उन दोनों नाड़ों से एक रस्सी बनाएंगे और रस्सी से खींच के चेक करेंगे कि भाई कितना वजन हो रहा है। मुझे जहाँ तक अंदाजा आ रहा है, मैंने चेक तो नहीं किया, लेकिन ये यार बहुत कम है, 30 kg से भी बहुत कम है। पता नहीं, ये मेरा एक गैस पॉइंट है, अभी हम जाके हम चेक करेंगे, देखते हैं मैं कितना राइट होता हूँ। कितना भाई आपका कितना है, आपका कितना वेट बोल रहे हैं, कितना होगा अराउंड अप्रोक्सीमेटली कितना वेट होगा? 30 हमारे दोस्त खदम भाई कहना है कि 30 से अबो है, इनका कहना है 28-29 है, मेरा भी 20-29 है। अब देखते हैं मेजोरिटी की तरफ है कि नहीं है, मतलब जाता है कि नहीं। मैं तो कह रहा 30, मैं तो कह रहा जीतने वाले को वैसे ही कुछ मिलने वाला है। 30-31 होगा। ओके गेस करते हैं आप, इंटेलिजेंस गेस होती है, इंटेलिजेंस का पता वैसे तो मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं, पर दर्द आएगा। लेट मी टेल यू समथिंग, बस माफ करो, तुम अभी इतनी इंटेलिजेंट मत बनोगे तो मैं फिर कोई कुंडली बोलेगी भाई तुझे। जिंदगी में पहली बार मेरे साथ ऐसे हुआ है कि मुझे मेरे ही डिग्रीज की वजह से जॉब नहीं मिल रही थी। ओवर क्वालिफाइड, यू डोंट बिलीव गाइस, व्हाट द हेल, मी सम टाइम्स आर फेसिंग द सेम सिचुएशन एंड देन राम राइट आंसर इज हिशाम आल्सो फेसिंग द सेम सिचुएशन। मुझे जब किसी एंड दिस पर्सन, शुक्र है कि मुझे जब किसी ने ये नहीं बोला। ओके दे सामने जब मुझे देखा कि पर ये ठीक है। वैसे एक बात है कि खदाम की इंग्लिश ऐसे है, कैसे आई एल यू a toothpaste have but one second no have and then the guy okay when guys, have call me I'll have whatever our English good or bad but this guy deal with the Russian right now. Oh my god, yeah, 099 akram tamam, yeah, yes, yeah. He's dealing with the Russians, right? Acha. British Russians, UK Nationals, Ukraine, तभी तो इसकी आंखें और खुल के खुली की खुली रह गई थी। उसने आया ऐसे करते हैं दिन में तकरीबन बहुत निश्चिंतिस जितने भी मुल्क कंट्रीज के लोग आते हैं। एक बात तो तय हो गई कि लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर। नो, यस, व्हाई फॉर अ बिजनेस आई एम राइट अराउंड इफ एनी नीडी पर्सन नीड अ थर्स्टी पर्सन नीड अ वाटर दे नेवर टेल यू प्लीज आई वांट टू आस्क यू फॉर इंग्लिश एंड देन पास इट ओवर। लैंग्वेज इज अ बैरियर बट इन यूएई इट विल बी अ बैरियर टिल 6 मंथ और 1 ईयर। Language is a carrier. Yeah, language is a carrier. Yes, carrier. It's not a barrier, but it's a carrier. It's good, but if you go through the languages and you learn about languages, then you are able to deal everybody. Exactly. You are right. But this person also deal with everybody. Why? लेकिन अपने कंट्री में तो हम ये नहीं कर सकते ना, ये तो जब हम बाहर आएंगे तो फिर पता चल जाएगा। See, UAE is a country where more, I think. Almost 198 countries people are living here. मैं एक 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 बात ऐड करना चाहता हूँ ना। या भाई इस तरह है ना कि भाई नहीं है उधर। नहीं है, छोड़ो। भाई बात इस तरह है ना कि मैं जब इधर यूएई में आया थोड़ा 50% इंग्लिश ठीक था, लेकिन मैं एक ट्रांसपोर्ट में आ गया, सारे पठान थे, एटमोसफियर इस तरह था कि वो मैं इंग्लिश अरबी क्या कि इंग्लिश भी भूल गया। बात इस तरह, फिर अभी इंशाल्लाह अभी 4-5 महीने हो गया एक ऐसी कंपनी में काम हुआ है कि उधर बस इंग्लिश ही इंग्लिश है, ऑफिस में इंग्लिश, हर जगह इंग्लिश, तो इंशाल्लाह अभी थोड़ा इम्प्रूव हो रहा है। लेकिन मैंने इधर एक बात नोट की, अभी हमारे मुल्कों में तुम कहीं गलत इंग्लिश बोलो ग्रामेटिकली तो आपको हंस लेंगे। इधर मैं डीलिंग करता हूँ दिन में 20-25 बंदों के साथ, मुख्तलिफ तो ऐसे ही बोलते हैं एलियो नेशनलिटीज के साथ, ठीक है। नो, उन्होंने कभी इस तरह मेरे पीछे ना हंसे ना कोई इस तरह के तुमने गलत इंग्लिश, नो मैटर। इधर आपको ग्रामर की इंसान तो गलती का पतीला बांग्लादेश पाकिस्तान एंड इंडिया पीपल, यस, इफ यू आर लिटिल मिस्टेक दे आर लॉटिंग बी ऑन लाफ नहीं आती है बिल्कुल।
Really, believe me, I'm speaking also because we are starting with definitely don't know anything. Abhi इसके बाद हम जरा इसका वो चेक कर ले, ये हो गया हमारा नाड़ा ढेल, चेक कर लो का जो टूटेगा नहीं, ये बहुत मजबूत है, देखिए ये नाड़ा ढेल है ना ना, ओ सही सही था, लोगों की इज्जत हो जाता है आपकी, बैग में चेक कर लो, अभी इंशाल्लाह ताला कर दो नाड़े को डालेंगे नीचे से नाड़े को बांधेंगे नाड़ा है ना, ये सही चीज है, सही चीज है, ये मुसीबत से बता सकते हैं, डोंट पुल इनफ है, अदरवाइज ये फट भी सकता है, मुझे लगता है दिस लॉग आई थिंक एज एन इमेजिन फॉर दैट इट्स नॉन 5 मिनट्स बट दिस लॉग इज द मोस्ट बिग लॉग एवर आई शूट मे बी No, that very important topic, everything. So I'll try my best to be not going to be cut because my audience want to see in the raw voice. So guys, on ek 2 minute ka to kaam hai, mana wait hi dekh lo. On karo. Sirf dekh lo, picture le liya kuch. Ye video hi bana rahe na. Sabar, sabar, sabar. Pray le lo loose ka. ओहो वड़ गया, नहीं दफा नहीं बढ़ेगा, चलो इज अराउंड भाई, ये बंदा तो विन हो गया 32.75 32.75 दैट्स 2 केजी इज जस्ट इट्स वेरी नॉर्मल यार, 1 केजी इज 1 केजी इज अलाउड ओके, आई थिंक इफ यू हैव 30 केजी बट एनी क्लोथ्स ओवर देयर पाउंड और इट वॉज के जी 9.820 गाइस अभी सिचुएशन ऐसी हो गई कि इनको सामान निकालना पड़ रहा है कि 32.75 का जैसे इनका 2.5 kg ज़्यादा हो रहा है ठीक है, अब 2.5 kg ज़्यादा है, 2.5 kg 1 kg तो एक्सेप्ट कर लेते हैं, 1 kg ना ले मस्त नहीं करते, 2.5 kg बहुत है, फिर कोई पैसे दे दो, 40 ग्राम ऑलमोस्ट लॉस, 50 ग्राम देना पड़ेगा और 50 दरम की वैल्यू की चीज नहीं होगी, वो 50 दरम की भी पाकिस्तान में 4000 रुपए माय गॉड, यस यू आर राइट, आई नो आप हमारे घर से कितनी कीमत है, सो हम तो तरक्की की आपका सिर्फ वो क्या बहुत तरक्की की है, वो चांद पर पहुंच गया, उसका क्या नाम है हमारे बंदा, अरे चंद्रयान तो कौन यार, आप टिश्यू को नापोगे तो कितना होगा, ये तो 500 kg होगा ऑलमोस्ट, 500 ग्राम दोनों फाइव हंड्रेड ग्राम 1 kg होगा अराउंड, ये है ना, हाँ 1.8 1.2 वाह, 1600 हो गया, 1.6 समथिंग, 1.6 माइनस सॉरी 32.75 माइनस 1.6 ऑलमोस्ट गाइस, इसी तरह मैं भी बहुत जल्द घर जाने वाला हूँ और इसी तरह इनमें से दो या दोनों के दोनों मेरे साथ पैकिंग करेंगे इंशाल्लाह, वो वक्त भी बहुत जल्दी आने वाला है जब मैं घर जाऊँगा, ठीक है, क्या निकाल लिया आपने, टिश्यू निकाल लिए 2 पैकेट और इट्स ऑलमोस्ट गुड नाउ, ओके 2.75 2.75 माइनस 1.18 116
सोमरो 2.75 है माइनस 1.6।